हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इस थ्योरी को हर जगह पे अप्लाई किया जाता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होता है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी प्रपोज की थी हेनरी फियोल ने। हेनरी फियोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the chief managing director. After conducting many experiments and observations in the organization, Fiol proposed 14 principles of management, which are explained in his famous book Journal and Industrial Administration. Due to his contribution in development of managerial thought, he is called as father of modern management. हेनरी फियोल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और हेनरी फियोल ने सजेस्ट की थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर यूज़ की जाती है और ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजमेंट एक्शंस। तो हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज, और वर्कर के स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रख के ही वर्क को डिवाइड किया जाता है, एंड देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हमें दो बातों को समझना होगा कि अथॉरिटी एक अलग चीज़ है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। अथॉरिटी का मतलब है गिविंग ऑर्डर टू समवन जस्ट बिकॉज यू आर अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी आप एक उस पोजीशन पे हो जहाँ से आप अपने एम्प्लॉय मतलब आपके नीचे जो भी काम कर रहे, यानी आप टॉप लेवल पे हो और आपके नीचे और भी लेवल्स हैं, तो आप वहाँ से क्या कर रहे हैं, आप वहाँ से कमांड एंड ऑर्डर दे रहे हैं और वो कमांड एंड ऑर्डर बाकी जो लेवल्स आपके नीचे काम करते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें वो फॉलो करना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर इन दैट पोजिशन, तो उनको क्या है, वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और इन केस अगर आप किसी काम से कहीं चले जाते हैं तो आप उस अथॉरिटी को किसी और पर्सन के ऊपर देकर भी जा सकते हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी के ऑर्डर पे वर्क करना, यानी आपको किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी तो जो भी गलती होगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस और गिविंग कमांड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और अ कमांड। प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हम हमेशा से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में डिसिप्लिन्स को फॉलो करो। तो डिसिप्लिन का मतलब है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर प्रॉपर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छे तरीके की डिसिप्लिन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हमें ऑर्डर रिसीव करने होते हैं सुपीरियर से, बट वो ऑर्डर रिसीव किए जाएंगे ओनली वन सुपीरियर। जैसा कि वर्कर है और उनके एक सुपीरियर है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर हैं और उनका एक ही सुपीरियर है। अब एक सुपीरियर है तो ऑफकोर्स वर्कर उनके ऑर्डर और कमांड को फॉलो करेंगे,
और जो भी यूनिटी और ऑर्डर्स वहाँ से आएंगे वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और अदर साइड अगर इम्प्लॉयज़ के मल्टीपल सुपीरियर यानी इम्प्लॉयज़ के एक से ज़्यादा बॉस है तो ऑफकोर्स एक का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एक कुछ और ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दूसरा कुछ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इससे क्या होगा, इम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स यही है कि हमें क्या करना है, हमें एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है। अगर मल्टीपल ऑर्डर रिसीव करेंगे तो एम्प्लॉय शुड गेट कन्फ्यूज्ड। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल्स में एक सिंगल डायरेक्शन गोल होना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सबका एक सिंगल डायरेक्शन गोल होना चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार डिपार्टमेंट एक गोल्स पे काम कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट्स अलग है, या चार इम्प्लॉयज़ एक तरफ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और दो इम्प्लॉयज़ का कुछ अलग ही डायरेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सभी को एक डायरेक्शन में चलना होगा जिससे वो इजीली अचीव कर पाए अपने गोल्स को। प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जैसा कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फोकस करेगा एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। जैसे एक इंडिविजुअल है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका मेन इंटेंशन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसे कि कोई एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक इम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट, इम्प्लॉयज़ को एक सिंगल इंडिविजुअल पे कम इंटरेस्ट, कम ध्यान देना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अगर कोई इम्प्लॉई, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किसी को एज अ इम्प्लॉय अपने कंपनी में रखा है, तो वो उसे ये बताती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू काम करना है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो के बारे में सोचेंगे तो इंडिविजुअल का ग्रो अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमें सबऑर्डिनेट, हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कम ध्यान देना है रादर देन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जैसा कि सभी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, जैसा हम सभी जानते हैं कि सारे डिसीजंस लिए जाते हैं टॉप लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट, और भी लेवल्स होते हैं जैसे मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि सारे डिसीजन, जितने भी डिसीजंस हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेती है, मिडिल एंड लोअर लेवल का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है कोई डिसीजन मेकिंग में। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और ये सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। और अदर हैंड देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पर कुछ डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखती है, कुछ डिसीजन मिडिल लेवल को देती है और कुछ डिसीजन लोअर लेवल को दे देती है। यानी हर लेवल अपने अपने जो भी उनको पावर्स मिले हैं, जो भी उनको डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी मिली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। यानी डिसेंट्रलाइजेशन में जिसके पास जितनी पावर है वो उतना ही काम करता है, और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा डिसीजन टेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट रखती है। तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया या ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट सैलरी और वेजेस।
जैसा कि अगर आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब कैपेसिटी और आपकी नॉलेज और आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी और वेजेस नहीं मिलेगी तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे डीमोटिवेटेड। तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। देयर शुड बी फिक्स रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय स्किल और नॉलेज, यानी एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी, एम्प्लॉयज़ के स्किल और एम्प्लॉयज़ के नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उनकी रेमुनरेशन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलेशन। जैसा कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, एक कम्युनिकेशन चेन को फॉलो किया जाता था, उसको हम स्केलर चेन कहते थे। स्केलर चेन एक ओल्ड कम्युनिकेशन की चेन है। जैसा कि उसमें क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे ए है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे फिर उसके बाद है बी और ई, फिर उसके बाद सी और पी और डी और एस। तो अभी क्या होता था कि अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो डी डायरेक्ट एस से बात नहीं कर सकता था, उसे ए के पास जाना पड़ता था, यानी ए के पास जाना पड़ता था। और ए तक उसको अपनी बात पहुंचाने के लिए कैसे जाता था, वो डी सी से बात करेगा, सी बी से बात करेगा, देन बी ए के पास जाएगा। तो इससे क्या होता था, इससे डिसीजन लेने में काफ़ी वक्त लग जाता था और ये कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता था और ये एक लंबा प्रोसीजर होता था। तो इसलिए हेनरी फियोल ने एक नई चीज़ को प्रपोज्ड की, जिसको हम कहते हैं गैंगप्लंक। गैंगप्लंक का मतलब ये होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। पहले कैसा होता था कि एक चेन को हम फॉलो करके उस तक जाते थे, अब हेनरी फियोल ने प्रपोज कर दी गैंगप्लंक। अब गैंगप्लंक के थ्रू क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन से क्या होगा, ये टाइम को डिक्रीज कर देती है और डिसीजन ईजिली क्विकली हो जाता है। पहले कैसा होता था, डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि अपनी बात को पहुँचाने के लिए एक चेन को फॉलो करना पड़ता था। इसलिए हेनरी फियोल ने प्रपोज की गैंगप्लंक, जिससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था और डिसीजन इजीली लिए जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब किसी को ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मीन्स यूटिलाइजेशन एंड सिस्टमिक वे मैन एंड मशीन के बीच में। दैट मीन्स मैन एंड मशीन को राइट प्लेस पे रखना, दैट मीन्स मैन एंड मशीन शुड बी राइट प्लेस एट राइट टाइम, जिससे क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रिंसिपल नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन काइंडनेस एंड जस्टिस। बिकॉज ऑफ दिस इट क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी इम्प्लॉयज़ और सभी लेवल्स के बीच में, तो ये क्या क्रिएट करती है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इम्प्लॉय है, उसने 3 दिन की छुट्टी ली तो उसकी 3 दिन की सैलरी कट हो गई। वहीं दूसरी जगह एक इम्प्लॉय है, उसने भी 3 दिन की छुट्टी ली बट उसकी सैलरी नहीं कट हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट कब होगा, जब दोनों की सैलरी कट होगी। दैट मीन्स देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट, और यहाँ पे बायसनेस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनवर। स्टेबिलिटी टेनवर मीन्स जॉब सिक्योरिटी। हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट पीरियड टाइम में जॉब से नहीं निकालना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उनको सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी है तो वो मोटिवेट भी होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेटिव्स। इनोवेटिव्स में इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में स्टार्ट न्यू थिंग और न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ आइडिया। इसमें एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। अगर न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया होगा और एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होगा तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हो जाएंगे, और जब ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव लेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ का भी ग्रो होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो और एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ हो। प्रिंसिपल नंबर 14,
प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट द क्रॉप्स मीन्स टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क के साथ चलती है, ये किसी भी इंडिविजुअल की बस का नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसे टीम वर्क की ज़रूरत होती है। ग्रुप्स में वर्क करने से क्रिएट होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अ ट्रस्ट, जिससे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ईजिएस्ट वे में सॉल्व कर पाते हैं। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे, और ईजिली वो अचीव कर पाते हैं अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे FW Taylor साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।